morning, students. So let's continue our topic. Hope all is well and good. So let's continue our topic: leadership and training in of your in physical education. So today we will discuss about role of a leader. After हमने बात की what is leader, then qualities of leader. Now today we will discuss about role of leader. कि leader जो जिन्हें जो appoint हुआ उसके main रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका उसको क्या है काम करना है, राइट? तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन. स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन का मीनिंग क्या है? मान लीजिए अगर गेम्स की बात की जाए, एक फुटबॉल टीम का कैप्टन है या क्रिकेट टीम का कैप्टन है, तो वो सिचुएशन स्ट्रक्चर करेगा कि ये कल कोई इस टीम से मैच है, उस टीम में ये प्लेयर फॉरवर्ड पर अच्छा खेलते हैं, ये अटैक पर अच्छा करते हैं, ये डिफेंस पर अच्छा करते हैं और ये गोलकीपर हेल्प करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है. अगर गोल फर्स्ट गोल उस तरफ से हुआ तो हमें अटैक पे डिफेंड करनी है, अटैक पे इन्वेस्टमेंट करनी है या डिफेंस पे करनी है, राइट? मान लो कोई प्लेयर हमें चेंज करना पड़ा तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कौन होगा, सेकेंड सब्स्टिट्यूट कौन होगा, राइट? स्टार्टिंग में हम अटैक लेके चलेंगे या डिफेंस करेंगे, क्लियर? कि उनकी सिचुएशन कल मैच में सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, उसको एक वो पर्दे पर एक बैकवर्ड को उतार के फैलकर ऐसा सब कुछ होने वाला होगा, तो हमें ये प्लान करना है, राइट? स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, फिर कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर. अब लीडर है, कैप्टन है, तो कई दूसरों को टीम होगी ना, पाँच चार पाँच दस लोगों की टीम होगी, तो दस पाँच जनों का जो ग्रुप है सबका बिहेवियर अलग अलग है. लेकिन कैप्टन कौन होता है? वो कैन प्ले द ग्रुप फॉर पर्टिकुलर टास्क. तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, ग्रुप का बिहेवियर कंट्रोल करना है कि वो सबका बिहेवियर पर्टिकुलर टास्क के अचीवमेंट की तरफ रहे, उसकी प्रोग्रेस की तरफ रहे, कोई भी पर्सनल गर्जिस वहाँ पर सामने ना रहे. इसके लिए कैप्टन क्या कर सकता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दे सकता है, रेनफोर्मेंस कर सकता है, जोर दे सकता है कि ये डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा, राइट? किसी ने इनडिसिप्लिन करने की कोशिश की है तो उसको पनिशमेंट दी जाए, किसी ने अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया, पूरी बातों को फॉलो किया है, उसे कुछ रिवार्ड दिया जाए, जिससे कि उस टीम में भी थोड़ी एक फीलिंग जनरेट हो कि हाँ यस वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, वी हैव टू कंट्रोल आवर बिहेवियर फॉर द गुड परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम, राइट? नेक्स्ट आपके पास स्पीकिंग फॉर द ग्रुप. स्पीकिंग फॉर द ग्रुप क्या है, जब बोर्ड्स की मीटिंग होती है, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो वहाँ पूरी टीम कनेक्ट नहीं हो पाती, नहीं हो सकती ना, तो क्या है वहाँ पे कैप्टन बात करता है अपने अथॉरिटी से, सीनियर अथॉरिटी से कौन बात करेगा, कैप्टन बात करेगा. तो कैप्टन को अपनी टीम की लिमिटेशंस की बात भी वहाँ रखनी चाहिए, उनके मोटिवेशन के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो बात वहाँ रखनी चाहिए कि मेरी टीम अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मेरी टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, है ना? जैसे एशिया टाइम होता था कि ड्रेस अच्छी हो, डाइट अच्छी हो जाए, अच्छा रहने का इंतजाम हो जाए, है ना? पेंटों के व्हीकल्स हैं वो अच्छे हों, इस तरह की ड्रेसेस अच्छी हो जाए. ये कॉमन सैंपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी टीम की रिक्वायरमेंट है वो कैप्टन को बताओ, कैप्टन उसकी ग्रुप की बात करे अपने फॉरवर्ड्स के साथ, सो डैट दे कैन हैव फेथ इन देयर कैप्टन. जब तक उनकी बात आगे नहीं पहुँचेगी तो फिर कैप्टन का कोई भी यू नो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. उनको काम उसने बताया नहीं क्या रिक्वायरमेंट है, तब आपको 11 लोगों से अगर पूछे बनते हो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, ना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, ना कोई अपनी बात रह सकता सकता सीधी, है ना? वो अपनी बात कैप्टन से करते हैं, कैप्टन आके जाके बात कर लेता है, दैट्स अ गुड कम्युनिकेशन मैसेज, राइट? लीडर शुड बी वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन अथॉरिटीज एंड टीम. नेक्स्ट इज प्लानिंग. प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मेकिंग ए ट्रैप फॉर पर्टिकुलर टास्क, किसी टास्क को अचीव करने जो हम ट्रैप करते हैं, जो स्टेप बनाते हैं, पहले ये स्टेप होगा फिर वो स्टेप होगा. जैसे कि आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है तो कार पेंट कौन करवाएगा, कैटरिंग का काम कौन करेगा, टेल का काम कौन देखेगा, अप एंड डाउन कौन जाएगा, ज्वेलरी को ये सब प्लानिंग होती है ना. हर एक टास्क के ऊपर, हर एक वर्कआउट के ऊपर, हर एक हेड के ऊपर एक बात की जाए तो वो क्या होती है, प्लानिंग होती है. तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए. वो टीम टूर्नामेंट में खेलने जा रही है तो वहाँ तरह तरह की टीम्स आएंगी, वहाँ पर किस तरीके से कब क्या करना है, कौन रेस्ट पे रहेगा, कौन खेलेगा टीम में, ये पहले पता होगा तो प्लेयर प्रिपेयर रहेगा, राइट? नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन. वो प्लानिंग हो गई है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना है. ये नहीं कि शाम को कल छोड़ रहा था, अब कैप्टन टीम बस प्लान ए है और कैप्टन अपने आप जाके बी प्लान वहाँ पे
टाई कर देता है, तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टी भी रहेगी, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आएगा, जिससे कि टीम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, राइट। तो प्लानिंग के बाद क्या है एग्जीक्यूशन, उसके बाद आपकी रूम जो है लीडर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि लीडर जब भी है क्या करें, वो अपने रिप्रेजेंट करें, कैसे, कोई भी मैच हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, अगर वो टीम ने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाई, फॉर एग्जाम्पल टीम ने मैच लूज कर दिया, तो आपने भी देखा कि जब अवार्ड सेरेमनी होती है, अवार्ड कैप्टन को बुलाया जाता है, तो कहता है माय बॉयज आर वेरी गुड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, तो कुडंट वी कुडंट विन द मैच, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो लूज कर रहा है मैच को, टूर्नामेंट को, तो वो अपने जिम्मेवारी लेकिन मेरी जिम्मेवारी थी, लेकिन टीम ने अच्छा परफॉर्म करके मैच विन किया, तो ही शुड डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। दिस इज द की रोल ऑफ लीडर। नेक्स्ट इज लीडर शुड कंट्रोल द इंटरनल बिहेवियर ऑफ और इंटरनल रिलेशंस। कैप्टन होने के बाद भी कोई टीम का प्लेयर है, तो हर टीम मेंबर के साथ उसका इंडिविजुअल रिलेशन रहेगा, वन टू वन, एक आदमी पूरी टीम से अपनी बात नहीं रख सकता, तो इंटरनल उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो कैप्टन के साथ वो बात करेगा, ठीक है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, उसका रिलेशन मेंटेन रखना है, टाइम टू टाइम हर टीम प्लेयर्स को इंडिविजुअली उसको मिलना चाहिए, राइट। लास्ट आपके पास लीडर एज एन एग्जाम्पल, लीडर एज एन एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, जब तक लीडर काम करेगा तब तक टीम काम करेगी, जब लीडर ने काम करना छोड़ दिया तो धीरे 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 क्या होगा, वही क्या है नेचर का होगा ना, साइंस का होगा, टॉप से चीज नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो जैसा कैप्टन कर रहा है वैसी टीम, वो टीम वैसी ही करेगी। टीम का कैप्टन 9 बजे टाइम है, अगर 9:30 आ रहा है तो ये लिख लो कि एक वीक के बाद सारी टीम 9:30 शुरू कर देगी। एक टीम का कैप्टन टाइम से तो आ रहा है, पूरा वर्कआउट नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट वर्कआउट करता है, विद इन अ मंथ पूरा टीम इनकम्प्लीट वर्कआउट करना शुरू कर देगी, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन देयर कैप्टन, वो कैप्टन जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि वो कैप्टन बनना चाहते हैं, राइट। तो कैप्टन शुड बी एन एग्जाम्पल कि कोई भी काम होगा वो अच्छे से करेगा, कोई सिचुएशन ऐसे आ गई क्रिकेट में आकर देखते हो कि जहाँ पे विकेट वो नहीं है तो विकेट कैप्टन को एंगर में नहीं खेलना, एग्रेसिव होकर नहीं खेलना, उसको कंट्रोल होकर विकेट रोकना है, या स्कोर बनाने की रिक्वायरमेंट है तो उसको विकेट की चिंता नहीं करनी अपनी, तो उसको खेलना है, पर्सनल नहीं होना कुछ भी, एवरीथिंग फॉर द टीम, कैप्टन इज लाइक अ फादर ऑफ टीम, राइट। सो दीज आर द सम की रोल्स ऑफ लीडर वी हैव डिस्कस्ड इन टुडे, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, सेकंड इज कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, देन स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, फिर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जांपल इंटर रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद आपके पास है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, और उसके बाद आपके पास एक गुड एग्जाम्पल, राइट। तो इसको अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कॉमन सी चीज़ें, कोई ऐसा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इवन दैन यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क थ्रू योर व्हाट्सएप, राइट। ओके बाय।